कविता में अमेंडा नाम की एक लड़की और उसकी माँ का वर्णन है जो उसकी गलतियों के लिए उसे डांट रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। कवि कहता है कि माँ अमेंडा को नाखून काटने के लिए इशारा कर रही है जो एक बुरी आदत है। आगे वह उसे बिना कंधे झुकाए सीधे बैठने के लिए कहती है। अमेंडा को अपने कंधों को झुकाकर और आलसी होकर बैठने की आदत है क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि वह सही मुद्रा में बैठे। देयर इज ए लैंग्वेज एमेराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इस समय जब उसे अपनी माँ द्वारा डांटा जा रहा होता है तो वह खुद को एक गहरे हरे समुद्र में होने की कल्पना करती है। वह कहती है कि वह उस खूबसूरत हरे समुद्र की एकमात्र निवासी बनना चाहती है। वह खुद को एक मरमेड की तरह कल्पना करती है जो वहाँ अकेली है और बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वह कहती है कि वह पानी की धारा से दूर जाना चाहती है और वहाँ का वातावरण उसे सुकून देता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। यहाँ कवि कहता है कि अमेंडा की माँ उससे पूछताछ कर रही है कि उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं, और फिर वह उससे पूछती है कि उसने अपना कमरा साफ किया है या नहीं। उसके अलावा उसे अपने जूते साफ करने के लिए भी याद दिलाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माँ घर के काम के बारे में लगातार अमेंडा से सवाल कर रही हैं कि क्या उसने अपने कमरे और जूतों की सफाई की है या नहीं। लेकिन दूसरी ओर जबकि अमेंडा अपनी माँ के निर्देशों को सुन रही है, वह खुद को एक अनाथ होने की कल्पना करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। वह सड़कों पर घूम रही है, इसका मतलब है कि वह कल्पना करती है कि अगर वह माता पिता के बिना होती तो वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से खेलती और चलती। वह अपने खुले पैरों के साथ नर्म धूल पर बहुत चुपचाप डिज़ाइन तैयार करती। इसीलिए हम देख सकते हैं कि वह अपनी माँ के विपरीत सोचती है। उसकी माँ चाहती है कि वह सब कुछ साफ और स्वच्छ रखे, लेकिन अमेंडा धूल में अपने नंगे पैर से खेलना चाहती है। इसके अलावा वह अपनी माँ के इन निरंतर निर्देशों से इतनी तंग आ चुकी है कि वह कहती है कि शांति सोने की तरह है, जिसका अर्थ है कि शांति बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती है। और वह आगे कहती है कि स्वतंत्रता बहुत मधुर है, इसका मतलब यह है कि जब वह अपनी माँ के साथ होती है तब वह कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। इसके बाद अमेंडा की माँ उसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही हैं। वह उसे पिंपल्स की याद दिलाती हैं कि चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते हैं। आखिर में वह उसकी माँ की बातों पर ध्यान न देने के लिए उसे डांटती हैं। इस समय अमेंडा खुद को रपुंजल होने की कल्पना करती है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रपुंजल एक परी कथा से संबंधित एक चरित्र था जिसे एक चुड़ैल द्वारा टावर में कब्जा कर लिया गया था। चुड़ैल रपुंजल के लंबे बालों की मदद से टावर पर चढ़ती थी जो कि खिड़की के माध्यम से नीचे आते थे। इसीलिए अब अमेंडा रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि उसे लगता है
कि टावर में जीवन शांतिपूर्ण और सामान्य होगा। वह सोचती है कि वह स्वतंत्र होगी और टावर में एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहेगी। वह खुद को इस बात के लिए तैयार करती है कि वह अपने बालों को कभी भी खिड़की से नीचे नहीं आने देगी, ताकि कोई भी उसके पास टावर में ना आ सके। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अमेंडा की माँ अब उसे बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करने के लिए टोकती हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने मूड से काम करती है और वह उसको डांटती हैं कि वह बहुत ही मूडी है। वह कहती हैं कि उसका व्यवहार एक दिन लोगों को यह महसूस कराएगा कि अमेंडा को अपनी माँ द्वारा लगातार डांटा जा रहा है। उसकी माँ उसको छोटी छोटी बातों पर डांटती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। यदि वह कभी भावुक होकर रिएक्ट भी करती है तो उसकी माँ गर्व की भावना के विरुद्ध उसे ले जाती हैं और उसे डांटती हैं कि उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग यह सोचेंगे कि अमेंडा की माँ अपने बच्चे के प्रति बहुत ही हावी है।